लखनऊ लखनऊ है या फिर लक्ष्मणपुर, ये वो सवाल है जो लगातार विवादों में बना हुआ है और इसे लेकर तरह तरह के बयान हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में विवादित बयान देते हुए कहा था कि लक्ष्मण ने आखिर लखनऊ के लिए किया ही क्या है। हालांकि इस बीच मांग तेज होती गई कि लखनऊ का नाम बदलकर उसे लक्ष्मणपुर कर दिया जाए, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुकेश अंबानी के एक बयान से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला वो बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इन दिनों दो सबसे बड़ी बातों की वजह से सुर्खियों में है, जिनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें देश भर के कई बिजनेसमैन यूपी में इन्वेस्ट करने के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। जबकि दूसरा बड़ा मुद्दा है बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का वो बयान, जिसकी वजह से नाम बदलने का यह मामला पटल पर आया। इस बीच जब देश की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जब खुद इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंचे तो उनके एक बयान से खलबली मच गई। बयान क्या है उससे पहले बताएं, मुकेश अंबानी ने उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। ये निवेश आने वाले 4 सालों के भीतर किया जाएगा। इसके जरिए यूपी में करीब 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। और इसी मौके पर मुकेश अंबानी जब इस समिट को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने लखनऊ को भगवान लक्ष्मण की नगरी कहकर बुलाया और कहा कि लखनऊ में उनका दूसरी बार आना हुआ है, लखनऊ पुण्य शहर है, यह लक्ष्मण की नगरी है, उत्तर प्रदेश की धरती भगवान राम की भूमि है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है, उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब से मोदी पीएम बने हैं तब से देश विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है, एक नया भारत बन रहा है, अमृतकाल में भारत विकास की ओर अग्रसर है। बहरहाल विकास की इन बातों के बीच अब खबर उनके लक्ष्मण वाले बयान को लेकर बन गई है। अब देखना होगा कि इस पर विपक्ष किस तरह से हमलावर होता है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।